हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं सूर्यदेव को जल देने के लिए आई हूँ छत पे, और आज दिन है शुक्रवार और आज बच्चों की छुट्टी है, तो इसलिए थोड़ा आराम से मैंने पूजा की, आराम से उठी मैं। तो पूजा कर ली है मैंने और मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार देखिए, उनका दर्शन कीजिए। राधिका पता नहीं क्या एक्टिविटी करती रहती है, क्या बना रही तो ये क्या है? ये नाश्ता कर लिया है हमने और मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी हूँ, उसके बाद करनी है मुझे बर्तन साफ, किचन साफ। बेटे और बेटे बहुत हो गया, तो पानी को दिला है। गरम पानी को दिला और गरम पानी खत्म हो गया, खत्म हो गया बेटे गरम पानी, और ठंडा है ठंडे में। देख बुखार हो रहा ना, ज्यादा देर तक नहीं नहाते। तो रसोई की साफ सफाई का काम हो गया है और सुबह का नाश्ता तो बनाने का, मतलब जो किचन साफ करते हैं वो कर ली, और अब मैं रूम में आई हूँ, यहाँ पे करूँगी साफ सफाई रूम की, पोछा वोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू वैसे सुबह लगा ली थी मैंने, इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, पोछा लगाऊंगी। पहले मैं ना अलमारी की, जो ये अलमारी है ना, इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। आज दीपावली की सफाई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे ये रूम मैंने साफ कर लिया था बहुत अच्छे से नवरात्रि शुरू होने से पहले, एक दिन दो दिन पहले किया था, इतना गंदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये अलमारी में थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, अलमारी साफ करूंगी। और कल मैंने ये दोनों अपनी जो एक यूज सेफ है अलमीरा ये वाली, कल मैंने ये साफ करी, इसका सारा सामान निकाली, उसको अच्छे से साफ करा, सारा सामान वापस से अच्छे से लगाया, सब बहुत उलट पुलट हो रहा था। और ना, और ये वाली जो अलमारी हमारी जो दरवाजे के पीछे है ना, ये वाली अलमारी, इसमें मैंने कल बहुत अच्छे से सामान लगाया मैंने, कल ये वाली अलमारी बहुत अच्छे से सारा सामान निकाल के इसका इसको साफ किया अच्छे से, क्योंकि अब त्योहार आने लग रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा सामान चीज़ें साफ करनी होंगी। ऐसे नहीं होता कि एक दिन में सारा साफ कर लूँगी मैं, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि घर का बाकी काम भी रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान निकाल दूंगी अलमारी का, और सारी चीज़ें डस्टिंग करके अच्छे से लगा दूंगी, अलमारी के अंदर भी डस्टिंग कर लूंगी। वैसे अलमारी बंदी रहती है, धूल तो इतनी जाती नहीं है, पर यह है ना जब दीपावली है तो सफाई तो करनी है। तो ये सारा सामान निकाल दिया है मैंने, पहले एक पहले सबसे ऊपर वाले का करूँगी, फिर बीच वाले में से कपड़े निकाल के तब करूँगी, पहले इसका सामान लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना डस्टिंग कर ली है अच्छे से, और डस्टिंग करने के बाद जो ये डिब्बे है ना, सबको मैंने अच्छे से साफ करके रखना शुरू कर दिया है। और देखिए बाकी का सामान ये है, इनको सबको रखूंगी साफ करके गीले कपड़े से। और देखिए ये जो गाड़ी है ना, ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई हूँ मेले में से जब मायके गई थी, और यहाँ पे बैठ के मैं लड्डू गोपाल इस गाड़ी को चलाते हैं बहुत अच्छे से, जिस दिन लाए थे उस दिन बैठ के चलाया था उन्होंने। और देखिए हमारी ना फैमिली फ़ोटो, वीर की, वीर का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो वीर के फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है ये। ये खराब होगी फ़ोटो, दीवार पे लगी हुई, नमी थी ना दीवार पे लगा रखी थी, तो देखिए नमी में यहाँ से कैसी होगी है। तो देखिए वीर का ये फर्स्ट बर्थडे है, ये मैं हूँ, राधिका, मम्मी, अंजलि देवर जी, और ये हस्बैंड जी। तो ये फोटो इसे दीवार से उतार दी थी, उतार दिया था मैंने, क्योंकि इसमें ना नमी की वजह से खराब होने लग गया था फोटो, यहाँ से देखिए कैसा हो रहा है। ये है वीर की गुल्लक, इसमें वीर रखता है, कॉइंस डालता है इसमें, वीर सिर्फ कॉइंस डालता है क्योंकि मिट्टी। तो ये कपड़े निकाल कर यहाँ पे मैंने साफ कर लिया है, और सब अब सबसे नीचे वाला जो है ये करने लग रही हूँ, और यहाँ का सारे बिस्तर रखती हूँ यहाँ पे डेली के, तो निकाल के रख दिया बिस्तर यहाँ पे, और यहाँ पे भी अच्छे साफ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है सारी अलमारी साफ करके, अच्छे से लगा दिया है बिस्तर। तो यहाँ पे ये शू रैंक है, जो कबर्ड होता है ना अलमारी, तो उसके नीचे जो शू रैंक आती है, तो वो है ये। इसमें हम जो बहुत कम यूज़ होने वाले शूज रखते हैं, जो बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ लिया है, और इसके अंदर बाकी जो शूज हैं मैं शूज भी अच्छे से झाड़ के रख दूँगी, इनका कम यूज़ होता है, तो इनके ये जो चप्पल जूते हैं इनका कम यूज़ होता है, तो इसलिए इसी में रखती हूँ मैं इनको। और मैंने जो बेड के जो हमारे सिरहाना है, बेड का सिरहाने पे जो बॉक्स है, वे बॉक्स साफ़ करे अच्छे से, बच्चों ने उसमें कटिंग कर करके कागज़ भर रखे थे बहुत बुरी तरीके से, वे भी साफ करे। तो रूम में मेरा हो गया है जो मुझे साफ़ सफाई करनी थी, और ये चादर मैंने झाड़ कर बिछा दी है वापस, क्योंकि कल मैं चलाऊंगी मशीन तो कल धोंगी इस चादर को। और अब मेरे दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है, दाल मैंने बनाने के लिए रख दी थी साफ कर सफाई करते करते बीच में रख दी थी कि दाल बन जाएगी तो फिर छोंकना रह जाएगा, बस दाल बन चुकी है मेरी।
और छोंक देती हूँ उसे। उसके बाद मुझे पोछा लगाना है, पोछा लगाऊंगी मैं खाना बनाने के बाद, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, सब आ गया है खाने के लिए। तो ये देखिए दाल बन चुकी है, गैस कर दी थी मैंने वो, और जब तक इसका प्रेशर निकलता है ना दाल का, मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर दाल छोंक रह जाएगी। तो ये दाल छोंक दी है मैंने, ये उड़द की दाल बनाई है, सफ़ेद दाल उड़द की। राधिका लिपटे चाय लेकर, घेर में चाय दे के आ, बाकी कप तो घेर में ही है, ठीक है, और जल्दी आ जाइए। और ये मम्मी की आज तबीयत खराब हो रही है, उनको बुखार हो रहा है मम्मी को, तो मम्मी लेटी भी है उदय के पास, उदय की भी एक दो दिन से तबीयत खराब है, उसको भी कफ कोल्ड हो रहा है, उदय को दोनों सो रहे हैं, मम्मी दवाई लेके सो रही है। तो राधिका पहले बेटे चाय दे क्या। तो शाम की पूजा कर ली है मैंने, और देखिए आज है चतुर्दशी, चतुर्दशी का ये चांद है, यानी चौदस का ये चांद है, कितना सुंदर लग रहा है चौदस का चांद। अब मैं बनाऊंगी खीर, शरद पूर्णिमा की खीर, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन बनती है, कल है शरद पूर्णिमा, और कल इसलिए नहीं बनेगी खीर, कल है चंद्र ग्रहण, तो कल चंद्र ग्रहण के कारण खीर कल नहीं बनेगी, खीर आज ही बनेगी। तो देखिए चांदनी रात में मैं बनाने लग रही हूँ ये खीर, ये खीर रख दी अंगीठी पे बनने के लिए। लड्डू गोपाल को भी बैठा दिया है चांदनी रात में, चांद की तरफ को मुख करके, इधर देखिए उधर को मुख है लड्डू गोपाल का चांद की तरफ को, क्योंकि कल नहीं बैठाया जाएगा, कल है चंद्र ग्रहण इसलिए। ये उदय भी आ गया है दादी के साथ घूम के घेर से। तो देखिए चांदनी रात में हमारी खीर बन गई है, और इसको मैं उतार देती हूँ, इसमें मैंने मीठा भी डाल दिया है, बन गई है खीर, और इसको पूरी रात रखेंगे हम चांदनी रात में आज, और इसका जो प्रसाद है कल भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को। तो मैं बनाने लग रही हूँ रात का खाना, और मम्मी को देख के आती हूँ। नो मम्मी नहीं कर रहा मेरा तो खाने को, हाँ मन तो कर नहीं रहा होगा, पर खा लो एक आधी, इतनी भूख है। स्पून लो। तो देखिए ये खीर हमारी बन गई है, चांदनी रात में बनाई है ये खीर मैंने अंगीठी पे बाहर, और अब इसको ना मैं पूरी रात चांदनी रात में रखूंगी, और इसमें ना एक चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का इसमें खीर में डाल दूंगी, जो कि बहुत शुभ होता है शरद पूर्णिमा। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस खीर को बाहर रखूँ कैसे, क्योंकि अगर बाहर ऐसे रख दूंगी मैं, इसके ऊपर कुछ ढक के जाली जैसे जालीदार बर्तन रख के, तो बिल्ली का डर रहता है कि बिल्ली जूठा ना कर दे रात को, क्योंकि बिल्ली तो जरूर आएगी, ऐसा तय नहीं आती नहीं है बिल्ली। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे रखूँ कि जो बिल्ली भी ना आए और ये पूरी रात चांदनी रात में रहे। तो मैं देखती हूँ क्या कुछ जुगाड़ करते हैं इसको बाहर रखने का, ताकि इस पर बिल्ली ना आ सके और कोई डर ये चांदनी रात में रहे। देखिए तो ये खीर को मैंने ना यहाँ पे इस तरह से कढ़ाई में ये बांध के, और रस्सी और यहाँ पे ये जो कपड़े सुखाने का तार है ना इस पर बांध दिया है, और देखिए इसमें रख दिया मैंने खीर कढ़ाई के अंदर, ताकि इसमें रोशनी बहुत अच्छे से पड़ सके। देखिए वो रहा चांद, और चांद की रोशनी पड़ रही है सीधे खीर पे, और इस पर ना मैं ये जो जाली है छलनी आटा छलनी इसको धो लिया है मैंने अच्छे से, और ये ढक देती हूँ इस पर, ताकि कुछ गिरे ना, मच्छर वच्छर रात को उड़ते हैं। तो ये छलने इस पर आटा छलनी जो धो कर रख रखी है मैंने बहुत अच्छे से, तो इसको मैंने इस पर ढक दिया है, तो अब ये सीधी चांद की रोशनी पड़ती रहेगी इस पर खीर पे। अब इन लड्डू गोपाल को मैंने अभी तक यहीं बाहर बैठाया हुआ है चांद की तरफ को मुँह करके इनका, और यहीं पर मैंने खाना खिलाया चांद की रोशनी में इनको, यहीं पर दूध पिलाऊँगी। अमृत वर्षा करता है जो चांद की चांदनी, तो इसी वजह से उसके जो अमृत वर्षा है वो उसमें हो सके, खीर में हो सके, उसके गुण वो सीधे तत्व खीर में समाहित हो सके, तो इसीलिए मैंने खीर को चांद की चांदनी में रखा। शरद पूर्णिमा के दिन करना था ये सब कल, लेकिन कल वही बात है ना, मैंने बताया था कि कल चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से हम चांद की चांदनी में कुछ भी चीज़ें नहीं रख सकते खाने पीने की, तो मैंने आज कर लिया एक दिन पहले ही। देखिए 9 बजने वाले हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ, क्योंकि कल से स्नान शुरू हो जाएगा, कार्तिक मास पूर्णिमा से कार्तिक मास स्नान शुरू हो जाएगा, कल से मैं कार्तिक मास स्नान शुरू करूंगी, तो लड्डू गोपाल को जल्दी उठाना होगा, क्योंकि उनको भी जल्दी नहलाना है मुझे जल्दी, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल को जल्दी सुला देती हूँ। तो फिर अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं फिर से एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, और आप सबको कार्तिक मास स्नान की बहुत 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 शुभकामनाएं।